जय श्री श्याम, जय माँ जीन भवानी। आज नवरात्रे के प्रथम नवरात्रा दिवस पर हम रहवासा में माँ जीन भवानी की खोल पर मूक प्राणियों का भरण पोषण करने के लिए मूक प्राणी भरण पोषण अभियान के तहत इन भूखे प्यासे प्राणियों की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ ऊपर माँ जीन भवानी की खोल है, एक दंत कथा है कि जब माँ जीन भवानी इस क्षेत्र में आई तो सबसे पहले इस खोल के सामने प्रकट हुई थी और बाद में एक गुफा के माध्यम से जीन माता धाम में पहुंची और वहां माँ जीन भवानी का भव्य दीप आज धाम बना हुआ है। आज यहां नवरात्रा दिवस पर माँ भवानी का दरबार भी सजाया गया, जो 9 दिन तक लगातार यहां रहेगी, माता की पूजा अर्चना रहेगी। आप भी इस वन्य क्षेत्र में ये सैकड़ों की संख्या में मूक प्राणी है, इन मूक प्राणियों का भरण पोषण करके इस अभियान को सफल बनाएं व इनको भरपेट कुआ देने से यहाँ बालाजी महाराज का मंदिर भी है। बालाजी महाराज प्रसन्न होंगे, आपका परिवार हमेशा सुखी संपन्न और सुरक्षित रहेगा, आपके परिवार में खुशियों व लक्ष्मी की बरसात होगी। नवरात्रों के दिनों में इस प्रकार के आयोजन करने से, माता का प्रसाद इन भूखे प्यासे प्राणियों को खिलाने से आपके यहाँ कोरोना संकट भी दूर होगा। कोरोना संकट की इस घड़ी में इस प्रकार के प्राणियों को खिलाने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मूक प्राणी भरण पोषण अभियान खाटू श्याम जी के माध्यम से आज हिमांशु सिकरिया व श्री ओम प्रकाश जी सैन ने मूक प्राणियों की भरपेट सेवा की।